रेओंदे का न्यूबॉर्न का वीडियो देखा था गाइस, इतना ज़्यादा अच्छा लगा गाइस मुझे। किस्मत ही खराब है गाइस, जा नहीं पाया। तो एक्चुअली जाता गाइस मैं अरुणाचल, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस नए ब्लॉग पर। सो दोस्तों अभी सुबह का बज रहे है, 7 बज चुका है गाइस। अभी एक्चुअली अभी जो है सप्लाई पानी आ चुका है दोस्तों, अभी लेने के लिए जो है मम्मी ही बर्तन को जो है सब सफाई कर रही है। तो उधर पे जो है खोलना पड़ेगा दोस्तों, तो आएगा सप्लाई पानी। सप्लाई पानी जो है मिलता है गाइस हम लोगों को, एक महीने में 2 बार मिलता है गाइस। तो इसीलिए मतलब जगह भी नहीं है गाइस, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है हम लोगों को। इसी जगह है, थोड़ा सा जगह है और अंदर में जो है ये 3 है गाइस, 3 तो नहीं है, 2 है, 2 से लेना पड़ता है। इधर पे जो है चावल रखते हैं हम लोग, तो इधर पे जो है पानी रखते हैं 2 से, उधर पे चावल। तो यही है गाइस हमारा जगह, तो पानी लेने का जगह थोड़ा सा है लेकिन ना, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी मम्मी साफ सफाई करेगी, उसके बाद मैं उधर पे खोलूँगा, मैं ले लूँगा पानी। तो ये देखो गाइस, कल का जो बेम्बू सूट बस गया था हम लोगों ने ढूंढा था गाइस, आज बॉयल करेगी मम्मी। तो ड्राई तो नहीं करेंगे गाइस, थोड़ा सा है, तो अभी भी टाइम है गाइस ड्राई करने का, बहुत सारा है अभी भी बेम्बू सूट जंगल पर। ये देखो आज का मौसम थोड़ा सा डूब देगा लगता है गाइस, ये देखो ज़्यादा एक्चुअली पानी ले नहीं सकता है गाइस। ये मतलब इस ओर जो है पूरा टूट गया है ना, तो नया बेम्बू लेने के लिए जाना पड़ेगा गाइस जंगल पर, और नया करके बनाना पड़ेगा। देख सकते हो पूरा मतलब टूट गया है। हाँ अंदर में लेना है गाइस सबसे पहले। तो ये देखो ये जो है पीने के लिए गाइस लेते हैं हम लोग पानी। हाँ हो गया, खोल दो। इधर पे जो है लेते हैं गाइस हम लोग, एक्स्ट्रा करके लेना पड़ता है पीने के लिए। तो इसी से काम चल जाता है गाइस हम लोगों को, 2 महीने 3 महीना चल जाता है। 2 महीना तो नहीं लगता है गाइस, 1 महीने में 2 बार मिलता है, इसीलिए आराम से चल जाता है। तो ले लेते हैं सबसे पहले पानी। ये जो है लगभग भर गया है गाइस, ये भरने के बाद जो इधर पे लेना पड़ेगा, उसको बाद बाहर में लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा हम लोगों को। तो ज़्यादा जगह नहीं है ना गाइस, इसीलिए ले नहीं पाते हैं। सिंटेक्स वगैरह नहीं है गाइस हमारे पास, इसीलिए जो है इधर पे ही लेना पड़ता है। थोड़ा सा जगह है तो काम चल जाता है गाइस, 1 महीने में 2 बार मिलता है, तो क्या ही चाहिए गाइस इधर पे। आप लोगों के गांव में कितना बार मिलता है गाइस कमेंट सेक्शन में बताना। ये भर गया और ये भी भर गया गाइस, और बाहर में जो है लेना पड़ेगा मुझे। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये बर्तन में जो है रखना पड़ेगा, ये 12 सा बर्तन देख रहे हो ना, इधर पे लेना पड़ेगा गाइस मुझे। हाँ इधर पे लेना पड़ेगा, और गाइस इधर पे भी लेना पड़ेगा, और इधर पे भी, इधर पे भी, इधर पे भी, इधर पे भी गाइस। थोड़ा सा जगह है लेकिन देखो पानी का कलर उतना अच्छा नहीं है गाइस। देखो छोटा छोटा नदी से आता है ना गाइस, इसीलिए जो अच्छा नहीं है, और बारिश भी दिया था गाइस आज, इसीलिए जो है अच्छा नहीं है गाइस। ये देखो, ओ ये देखो पी नहीं सकता है गाइस, ये जो है पी नहीं सकता है, और बॉयल करना पड़ेगा दोस्तों पानी जो है। तो छोटा छोटा नदी से आता है। हाँ इधर पे जितना भी पानी रखना था सब रख दिया है गाइस। तो मम्मी जो है मेरा कपड़ा सब सफाई कर दे रही है, कल बेम्बू सूट धोने के लिए गया था ना गाइस, तो कचरा करके जो है रख दिया था यहाँ पे, और धो रही है मम्मी। तो पानी तो अवेलेबल है गाइस, सप्लाई पानी मिलने से जो अवेलेबल होता है पानी, तो जगह काम है ले नहीं पाते। तो अभी जो है धो रही है मम्मी, तो मेरा काम फ्री हो गया है गाइस। तो दोस्तों सुबह में पानी लेने के बाद जो है मम्मी फटाफट से बाजार पर गई है, और देख सकते हैं क्या क्या लेके आई है। बस चिकन ही लेके आई है गाइस, लोकल ऑर्गेनिक सब्जी जो है लेके नहीं आया मत्रेश्वरा वाले जो है। तो मत्रेश्वरा वाले जो है दोस्तों इधर पे लेके नहीं आते, तो हम लोग खा नहीं पाते गाइस, इधर पे जो है सब्जी नहीं मिलता है, इसीलिए जो है हम लोग खा नहीं पाते गाइस। अगर मत्रेश्वरा वाले लोग जो है इधर पे नहीं लेके आते, तो हम लोग खा नहीं पाते दोस्तों, और लोकल ऑर्गेनिक सब्जी तो खा नहीं पाते हम लोग गाइस। तो हमारे लिए जो है ये देखो गाइस, छोले लेके आ दिया था मेरे लिए, और पकौड़ा लेके आ दिया था गाइस। तो सुबह में ब्रेकफास्ट करना पड़ता है ना गाइस, इसीलिए सुबह में डेली लेके आ देती है मम्मी मेरे लिए। तो मेरा बहन तबियत जो है थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है गाइस, तो सही है गाइस, अपना जो ट्रेडिशनल पूजा किया था ना गाइस हम लोग, वो जो है असर कर रहा है, तो सही है, ऐसे जो है धीरे धीरे करके जाएगा गाइस। तो धीरे धीरे करके जाने से जो है दोस्तों ठीक होगा होगा। तो पता लेता हूँ सुबह सुबह मतलब ब्रेकफास्ट करना पड़ता है गाइस मुझे जो है सुबह सुबह। तो ये रहा छोले को खोलना पड़ेगा सबसे पहले, तो भूख लग रहा है बहुत ज़ोर से। फिनिश गाइस, ये देखो छोले और पकौड़ा फिनिश। तो सुबह सुबह गाइस जो है मुझे जो है
ब्रेकफास्ट करना पड़ता है गाइस, ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा तो मेरा गैस्ट्रिक जो है और बढ़ता है गाइस, चलो जाए ब्रेकफास्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ खाना पड़ता है गाइस जबरदस्ती। तो ये रहा, आप लोग भी खाओ, मैं भी खा रहा हूँ गाइस, ठीक है गाइस। सो दोस्तों अभी मम्मी फटाफट से खाना बना रही है सबके लिए, तो क्या क्या बनाएगी। और इधर पे जो है चिकन लेके आए थे गाइस, सुबह में चिकन लेके आए थे, बाजार पे गया था ना, और यहाँ पर करेले और शक श्रिम्प पेस्ट के साथ बनाएगा, श्रिम्प पेस्ट के साथ बनाएगा तो टेस्टी होता है गाइस, श्रिम्प पेस्ट के साथ बनाएगी। और यहाँ पर जो है ड्राई बेम्बूसू ड्राई चटनी बनाएगी, तो इसी के साथ आज का ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा दोस्तों। कुछ भी लोकल ऑर्गेनिक सब्जी नहीं मिलता है गाइस यहाँ पे, अगर मतरेसरा वाले नहीं आते थे ना गाइस यहाँ पे, हमारे गाँव पे नहीं आते थे बेचने के लिए, नहीं आते तो हम लोग भी लोकल ऑर्गेनिक सब्जी नहीं खा पाते हैं गाइस। तो यहाँ पर मम्मी सुबह में चिकन लेके आए थे, चिकन, तो चिकन के साथ आज का ब्रेकफास्ट कर लेंगे हम लोग। तो बहुत दिन हो गया था गाइस चिकन नहीं खा रहे थे, तो आज खाएंगे चिकन, ये रहा। तो आज का मौसम भी देख सकते हो गाइस, पूरा मतलब बारिश गिर रहा है गाइस, ये देख सकते हो इतना ज़्यादा बारिश क्यों देते हैं यार, कुछ भी करने के लिए भी नहीं है बारिश देने से जो है, देख सकते हो आंगन होता है ना गाइस, आंगन को जो है मैं साफ सफाई करूँगा आज, तो बारिश भी गिर रहा है गाइस, अगर ज़्यादा बारिश नहीं देगा तो मैं ये साफ सफाई करूँगा, घर का जो आंगन होता है वो ही साफ सफाई करूँगा। तो पूरा मतलब गंदगी हो गया है गाइस, देखो काफ़ी दिन हो गया था गाइस बारिश दे रहा था, इसलिए जो है साफ सफाई नहीं कर पा रहे थे, तो आज करूँगा इसमें। तो ये देख सकते हो पूरा मतलब ग्रास उग रहा है ना, तो बारिश देने से जो है दोस्तों पूरा मतलब ग्रास उग जाता है, देख सकते हो। तो ये देख सकते हो गाइस आम का पेड़ पूरा दो है यहाँ पे, तो अगर ज़्यादा बारिश देगा तो पूरा मतलब टेंशन होता है गाइस, अगर गिर ना जाए ना, इसलिए जो है देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा आम का पेड़, ये देखो हम लोग का घर के सामने इतना बड़ा बड़ा आम का पेड़, क्या है यार। मैं जो वीडियो देखते देखते एक्चुअली रूपम भैया का ब्लॉग आ गया था गाइस, और देखते देखते मतलब उसका बेटा का न्यू बॉर्न पार्टी दे दिया था गाइस, पूरा मतलब देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, और मुझे भी जाने के लिए बहुत ज़्यादा मन किया। तो अगर किस्मत अच्छा होगा तो मैं ज़रूर से जाऊँगा गाइस, लाइफ में एक बार ज़रूर जाऊँगा अरुणाचल में, तो बहुत जाने के लिए मन करता है गाइस अरुणाचल में मेरा जो है। तो इतना ज़्यादा हेल्पफुल लोग है जो दोस्तों, बितुल भैया हो गया और रूपम भैया हो गया, बहुत सारा यूट्यूबर है गाइस, इतना ज़्यादा हेल्पफुल है गाइस, बोलो ही मत। तो मैं अगर मेरा किस्मत अच्छा होगा तो पूरा एक दिन ना एक दिन से ज़रूर जाऊँगा गाइस मैं अरुणाचल प्रदेश में, तो अगर मेरा किस्मत अच्छा होगा तो ज़रूर जाऊँगा गाइस। तो आज ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस, ऐसे सपोर्ट करते रहने से जो है मैं ज़रूर से जा पाऊँगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, इतना ज़्यादा अच्छा लगा गाइस उनका वीडियो देख कर जो है। तो एक दिन ना एक दिन तो ज़रूर जाऊँगा गाइस मैं, इसी तरह प्यार बनाए रखना गाइस मैं, ताकि मैं अरुणाचल में घूम पाऊँ ना इसी तरह। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, और रूपम भैया का बेटा तो इतना ज़्यादा हैंडसम होगा ना गाइस बड़ा होकर। तो यहाँ पर जो है बेम्बूसू ड्राई को जो है चटनी बना के लिए इधर पे रेडी करके रख दिया है मम्मी ने, मिर्ची और प्याज प्याज पता नहीं क्या क्या दे दिया है मम्मी ने, पूरा मतलब रेडी करके रखा है, तो मिक्स करना है फिर खाना है गाइस अच्छे से। तो देख सकते हो गाइस इतना सारा बेम्बूसू, मैं आप लोग को एक खा के दिखाता हूँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस बेम्बूसू ड्राई चटनी, आप लोग भी एक बार खाओ गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। ये देखो मिर्ची दिया आपको, क्या टेस्टी है यार। देखो इधर पे जो है दोस्तों खाना परोस दिया है मेरा भाई ने, तो क्या क्या बना है मैं आप लोगों को पहले भी दिखाया था अभी भी दिखाऊंगा गाइस। इधर पे बेम्बूसू ड्राई, और इधर से बैंगन, बैंगन बॉयल किया था मम्मी ने, और यहाँ पे जो है मिर्ची की चटनी विथ चिकन, और यहाँ पे करेला और करेले के साग गाइस बनाए हैं मम्मी ने विथ श्रिम्प पेस्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस। इसके साथ आज का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है गाइस, खाना खाते हैं अभी फटाफट से। देखो भूख लग रहा है यार, ये देखो गाइस चिकन, इधर पे चिकन है ले लो खाओ। इधर पे सब्जी भी ले लिया हूँ गाइस, बैंगन की बॉयल इधर पे ऐसे करना है, और मिर्ची के साथ मिर्ची के चटनी के साथ ऐसे करना है गाइस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो निवाला बनाना है ऐसे, तो ऐसे मुँह में डालना है गाइस, ये लो गाइस आप भी खाओ। क्या टेस्टी हुआ है गाइस गाइस। सो दोस्तों सुबह में ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है काफी देर रेस्ट किया, उसके बाद जो है हम लोग को जो है इधर पे जो है ना गाइस ये घर का आंगन जो है साफ सफाई करना पड़ेगा, पूरा मतलब जंगली जंगल हो रखा है, देख सकते हैं गाइस पूरा मतलब ग्रास उग रहे हैं ना, इसीलिए जो है साफ सफाई करना पड़ेगा मुझे जो है। और काफी दिनों से जो है दोस्तों बारिश दे रहा था, तो आज जो है थोड़ा सा ठीक किया है बारिश, तो इसीलिए जो है ये साफ सफाई करना पड़ेगा गाइस मुझे, ये देख सकते हैं इतना ज्यादा गंदा हो गया है गाइस। तो पूरा मतलब इधर पे दाव रख दिया हूँ, ऐसे करके जो है
ऐसे करके जो है मैं साफ सफाई करूँगा गाइस। घर का इम्पोर्टेंट होता है गाइस, घर का आंगन साफ सफाई होता है तो पूरा मतलब फ्रेश लगता है ना गाइस, इसलिए जो है हम लोग अभी इसको ऐसे ऐसे करके साफ सफाई करेंगे गाइस। ये देखो तो ऐसे करके जो है साफ सफाई करेंगे। तो ये साफ सफाई करने के बाद जो है ये भी साफ सफाई करना पड़ेगा दोस्तों, इतना ज़्यादा गंदगी हो गया है गाइस, पूरा मतलब देख सकते हो गाइस, इतना गंदगी देखने के लिए भी मन नहीं करता है गाइस, इतना ज़्यादा गंदगी ना। तो ये देखो तो अभी जो है शुरू कर लेते हैं दोस्तों, इसको जो है अभी इधर में रखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा गंदगी है यार। ऐसे करके जो है ग्रास को काटना है। ये देखो गाइस आम का फिर भी इतना बड़ा बड़ा हो गया गाइस, आम का फिर के रूट ये देखो, वाह दावती नहीं है, एक लेना पड़ेगा। ये अच्छा वाला है, ये अच्छा वाला है, ये देखो एक के बार में ना, ये देखो फिनिश पूरा ऐसे करना है। तो इतना ज़्यादा गंदगी हो गया है गाइस, तो आज साफ सफाई करूँगा सबसे पहले ऐसे। अभी ग्रास को जो है थोड़ा सा खाद लिया है गाइस, तो ये इधर का साइड जो है पूरा खाद लिया है और इधर का साइड है, तो मैं तो खाद लिया हूँ गाइस। और इस इजारों से जो है मुझे साफ सफाई करना पड़ेगा, इससे जो है साफ सफाई करना पड़ेगा मुझे अभी। तो मेरा भाई जो है अभी ये काटो आप तुम, हाँ ये आप बताओ, और ये मैं जो है साफ सफाई करूँगा अभी। देखो पूरा मतलब गंदगी हो गया है गाइस, तो झाड़ू भी ठीक नहीं है यार, देखो तो ऐसे करना है मुझे, ऐसे पूरा गंदगी हो गया है यार। घर का आंगन जो है दोस्तों साफ सफाई करना ज़रूरी है, तो आप लोग भी कीजिए, अपना जो घर का आंगन होता है आप लोग भी साफ सफाई करके रखिए गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और देखने में भी पूरा फ्रेश लगता है। तो थोड़ा सा काटने से हो जाएगा, देखो दोस्तों पूरा मतलब ग्रास पूरा काट रहे हैं मेरा भाई। तो ये मैं वाला खाता था जो है, मैं खाता था गाइस, और उस साइड जो है मेरा भाई खा रहा है, और ये जो है मुझे साफ सफाई करना पड़ेगा। और बारिश भी आने वाला है गाइस, पूरा मतलब पूरा खला बदल छाया है, तो बारिश भी आ सकता है, तो जल्दी जल्दी जो है साफ सफाई करना पड़ेगा, नहीं तो बारिश आएगा तो पूरा मतलब ये बिक जाएगा और नहीं जाएगा गाइस बिक जाने के बाद। तो ये देखो इतना ज़्यादा बारिश आ रहा है यार, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा दोस्तों। तो घर का आंगन जो है साफ सफाई करके रखना चाहिए गाइस, देखने में भी फ्रेश लगता है और मतलब पूरा फ्रेश फ्रेश लगता है ना। तो आप लोग भी कीजिए ऐसे, मतलब फ्रेश करके रखिए अपना जो घर का आंगन होता है। बहुत इतना हवा आ रहा है यार पूरा, ये देखो। और मैं सुबह में भी बोला था गाइस, एक्चुअली रूपम भाई का वीडियो देखते देखते, रेवंदेता का न्यू बॉर्न का वीडियो देखा था गाइस, इतना ज़्यादा अच्छा लगा गाइस मुझे, इतना ज़्यादा क्रिएटर देखा इसका वीडियो पे, पूरा मतलब जाने के लिए मान किया था गाइस, तो मेरा किस्मत ही ख़राब है गाइस, जा नहीं पाया। तो एक्चुअली जाता गाइस मैं अरुणाचल प्रदेश में, जो इतना ज़्यादा है ना तो बुलाता है अरुणाचल में, आओ आप भी घूमो अरुणाचल में, तो कब जा पाऊँगा यार। तो किस्मत अच्छा होगा तो मैं ज़रूर से जाऊँगा गाइस एक दिन। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए, तो सबसे पहले ये हम लोग साफ सफाई करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, रेवंदेता का न्यू बॉर्न का वीडियो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, जाने के लिए तो मन किया लेकिन जा नहीं पाया गाइस, क्या करें। ऐसे कामों में जो है मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ गाइस, इसीलिए जो है थोड़ा सा भी खाद नहीं पाता हूँ गाइस, तो एक थोड़ा सा खादने से भी गाइस पूरा रेस करना पड़ता है, इसीलिए रेस कर रहा हूँ अभी। मेरा भाई तो एक्सपर्ट है गाइस, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इतना कामों में, तो अभी रेस करता हूँ, उसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे। तो पानी पीना पड़ेगा उसके बाद। हुट्टी कहाँ है, मैं हमारा हुट्टी, तो ये रहा गाइस अपना जो हुट्टी गाइस, फ्रिज के जैसा काम करता है गाइस, पूरा मतलब पानी ठंडा रखता है, फ्रिज की ज़रूरत नहीं है गाइस गर्म के दिनों में। ये देखो इतना ठंडा पानी है गाइस पूरा, वो देखो गाइस इतना हम है मेरा भाई। अभी जो है साफ सफाई करके भी हो चुका है गाइस, और ये देख सकते हैं पूरा मतलब फ्रेश हो चुका है ना, ये देख सकते हो एक भी ग्रास देखने को नहीं मिलेगा, देख सकते हैं गाइस पूरा मतलब फ्रेश हो गया।
तो अभी जो है फ्रेश करना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम लोगों को नहाने के लिए जाना पड़ेगा गाइस। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करना चाहूंगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो कैसे होने वाला है गाइस, तो जल्दी कर दो, तो अच्छा अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा गाइस।